गाजीपुर से अमित उपाध्याय, पत्रकार यूपी हेड की खास रिपोर्ट। अखिल भारत वर्षीय यादव महासभा गाजीपुर के जिलाध्यक्ष बने सुजीत यादव। समर्थकों और समाज के लोगों ने किया भव्य स्वागत अभिनंदन। खबर गाजीपुर जिले से है, जहां पर अखिल भारत वर्षीय यादव महासभा गाजीपुर के लगातार दूसरी बार जिलाध्यक्ष बनाए जाने पर समाज में खुशी की लहर है। कार्यकर्ताओं व समाज के गणमान्य लोगों ने गाजीपुर पहुंचने पर सुजीत कुमार यादव का भव्य स्वागत अभिनंदन किया। जिलाध्यक्ष सुजीत कुमार यादव ने बताया कि गैर राजनीतिक यादव महासभा का जिलाध्यक्ष मनोनीत किया गया हूं, जो किसी पार्टी को समर्पित नहीं है, क्योंकि यह संगठन गैर राजनीतिक है और यादव महासभा में सभी पार्टी के सदस्य पदाधिकारी हैं। पिछले दो वर्षों में मेरे द्वारा कार्य जो किया गया, समाज में एकता भाईचारा का संदेश और समाज को एक सूत्र में पिरोने का कार्य किया गया और साथ में ही हर एक के सुख दुख में शामिल होकर साथ दिया हूं एवं दोनों कुरी में रोटी बेटी का नाता व तेरी दहेज नशा मुक्त समाज को बनाने के लिए प्रयास मेरा मुख्य एजेंडा है। मुझे अखिल भारत वर्षीय यादव महासभा गाजीपुर का जिलाध्यक्ष बनाए जाने पर मैं अपने समाज के प्रति कर्तव्यों का भली भांति निर्वहन करूंगा। इस मौके पर यादव महासभा के कार्यकारी जिलाध्यक्ष व प्रधान संघ के अध्यक्ष रामज्ञान सिंह यादव ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री श्रद्धेय नेताजी श्री मुलायम सिंह यादव जी के गुरु माननीय श्री उदय प्रताप यादव जी, राष्ट्रीय संरक्षक एवं प्रदेशाध्यक्ष आदरणीय श्री अरुण सिंह यादव जी का आभार धन्यवाद करता हुए बताते हैं कि सुजीत कुमार यादव जैसे ईमानदार तेज तर्राक नेता को गाजीपुर के यादव समाज के नेतृत्वकर्ता के रूप में बागडोर देकर समाज को मजबूत करने का कार्य किया है। उन्होंने बताया कि जल्द ही गाजीपुर यादव महासभा के द्वारा समाज का धर्मशाला बनाने की योजना बन गई है, जो समाज को समर्पित होगी। इस अवसर पर यादव महासभा के प्रदेश महासचिव व प्रधान रमेश सिंह यादव, जिलाध्यक्ष महिला यादव महासभा श्रीमती चदा यादव, जिला प्रवक्ता सुभाष यादव व संग्राम यादव, ब्लॉक अध्यक्ष राम अवध यादव, देवेश यादव, मोती यादव, संजय यादव, महेंद्र यादव व महासचिव धर्मवीर यादव, जिला पंचायत सदस्य देवेंद्र यादव, टिंकू सहित सैकड़ों की संख्या में समाज के लोगों ने समर्थन एवं स्वागत किया। जय यादव, जय माधव। मित्रों, आप लोगों के आशीर्वाद से, सहयोग से, शुभकामनाओं से फिर से यादव समाज का कार्य करने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ है। मैं सबसे पहले अपने राष्ट्रीय संरक्षक आदरणीय पूजनीय उदय प्रताप जी का मैं आभार व्यक्त करता हूँ, साथ में जो हमारे प्रदेश के अध्यक्ष अखिल भारत वर्षीय यादव महासभा के श्रीमान अरुण सिंह यादव, मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ, जो मुझे समाज का कार्य करने के लिए अवसर प्रदान किए। मित्रों, दो वर्षों में लगातार, चाहे वो यादव के यादव समाज में जुल्म की बात हो, चाहे सुख दुख में, हर कार्य में निष्ठा से किया। दोनों कुरी में रोटी बेटी का नाता हो, दहेज मुक्त, तरही मुक्त, नशा मुक्त समाज हो, ये हमने एजेंडा लेकर जन जन तक पहुंचाने का प्रयास किया। मित्रों, अपनी कार्य समिति में सभी दलों के कार्यकर्ता पदाधिकारी हैं और समाज को लेकर जब कोई चलता है तो किसी एक पार्टी पर आधारित नहीं होना चाहिए। इसीलिए मैंने आज तक कोई भी पार्टी गाजीपुर में ज्वाइन नहीं किया, किसी पार्टी का सदस्य नहीं। कुछ लोग आरोप लगाते रहे हैं, मगर मैं वहाँ कुछ आरोपों का खंडन करता रहा और जो हमारे साथ हमारे मित्र, हमारे समाज के प्रबुद्ध लोग लगे रहे, वो हमें भाली भांति से जानते हैं। मैं दोबारा हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ, जिस तन मन धन से आप लोग मेरा दो वर्ष साथ दिए, मैं आगे भी आपसे अपेक्षा करता हूँ कि आप इसी तरह से मेरा मनोबल बढ़ाएंगे, मुझे आशीर्वाद प्रदान करते रहेंगे और अपना साथ और सहयोग देते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।